अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ा हमारा जो कवर करने वाला कोर्स है वो थोड़ा ज्यादा है, सो प्लीज फोकस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो इन्फेक्शंस के बारे में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों का आवाज सही से आ रही है? यस सर। यस ओके बेटा। तो जहां तक बात है इन्फेक्शंस के फैलने की, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शंस पहुंचते कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें समझने वाली है वो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई लिम्फैटिक्स नहीं होते, कोई लिम्फ नोड्स वगैरह या लिम्फैटिक वेसल्स नहीं होती। तो लिम्फैटिक चैनल के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जाता। हाँ, ब्लड के थ्रू जाता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, विच इज हेमाटोजेनस स्प्रेड। हेमाटो जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब ब्लड। ट्रॉमा मतलब कोई चोट लगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, बैक्टीरिया वायरसेस के साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन अप हुई तो वहां से जा सकता है। कोई लोकल स्प्रेड हुआ पैरानिजल साइनस से, डेंटल इन्फेक्शन दांतों से या कहीं और से, साइनस वगैरह से, जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है। जैसे कि आपको थर्ड सेमेस्टर की एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि हाउ द साइनस इज एक्चुअली कम्युनिकेट विद द स्कल कैविटी। स्कल का हिस्सा ही होते हैं वो। और इस तरह से फिर वहां से जो इन्फेक्शन है, मैक्सिलरी साइनस हो गया, एस्माइड साइनस हो गया, और स्फीनॉइड साइनस, वहां से ये फिर इन्फेक्शन जो चेहरे के इन्फेक्शन है या गर्दन के आसपास के इन्फेक्शन है, दांतों के इन्फेक्शन है, वो लोकली सीएनएस के अंदर जा सकते हैं और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू भी ट्रैवल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। वन ऑफ द टू मोस्ट, बल्कि टू मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन आर मेनिनजाइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस। मेनिनजाइटिस का मतलब है मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन, विच आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। और इंसेफ्लाइटिस का मतलब है ब्रेन पैरेन्काइमा, यानी जो ब्रेन टिश्यू है इटसेल्फ उसका इन्फ्लेमेशन। मेनिंजियो इंसेफ्लाइटिस में दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है। अब मेनिनजाइटिस के आगे मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक एसेप्टिक मेनिनजाइटिस है। एसेप्टिक मेनिनजाइटिस का मतलब ये है कि जब आप उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टैप करके देखोगे, लंबर पंक्चर में उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालोगे, तो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। तो अक्सर एसेप्टिक मेनिनजाइटिस वगैरह जो है वो वायरल मेनिनजाइटिस होते हैं, वायरल डिजीज होती है, क्योंकि वायरस उनमें नजर नहीं आ रहा होता। बट एसेप्टिक का मतलब है विदाउट एनी बैक्टीरिया विजिबल इन, या बैक्टीरिया फाउंड इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये मेनिनजाइटिस के ऊपर। हम सबसे पहले देख लेते हैं मेनिंजेस। आपको पता है सबसे बाहर ड्यूरा होती है, फिर एरेक्नॉइड होती है और फिर पायामेटर होती है। इन तीनों की इन्फ्लेमेशन या इनमें से किसी की इन्फ्लेमेशन जो है मेनिनजाइटिस है। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? कहीं भी इन्फेक्शन होना शुरू हो तो सबसे पहले फीवर आएगा, ठीक है? आपका आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको फॉरन से एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है? वो एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टरों को कम से कम इतना जरूर देख लेना चाहिए कि फीवर है या नहीं है, क्योंकि फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स देयर इज नो फीवर, तब भी एंटीबायोटिक्स सही होती है। लेकिन जितना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आप लोगों को एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है उतना फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं होती। आने वाले जमाने में 20-30 years फ्रॉम नाउ, प्रॉबली 2050-20 भी नहीं, अब तो 18-19 साल रह गए, 2050 तक सुनने में आ रहा है कि सबसे बड़ा जो डिजीज बर्डन होगा वो इस वजह से होगा क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। मतलब लोग इतनी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कि जब इन्फेक्शन एक्चुअली होता है तो बैक्टीरिया पहले से उसको रेजिस्ट करना सीख चुका होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आने वाले जमाने की बीमारियां एंटीबायोटिक्स की यूजलेस होने की वजह से होना शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से एंटीबायोटिक्स दी जाए। अगेन, फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। फिर उसके बाद आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाता है, इरिटेबल होता है बंदा, बेचैन होता है, और जो धूप है या जो तेज रोशनी है उससे दर्द होती है या डर लगता है, बंदा उससे दूर जाता है, ठीक है? फिर वॉमिटिंग, भूख नहीं लगती, कभी कभार फिट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके जो फॉन्टेनेल्स होते हैं, जो उनके स्कल के अंदर जहाँ पे सूचर्स अभी मिले नहीं होते, वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन हेडेक, और उसके साथ नेक की स्टिफनेस, न्यूट्रल रिजिडिटी इज नेक स्टिफनेस। और फिर इसके बाद एक और साइंस होता है मेनिंजिस्मस, वो स्टिफ नेक को ही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम मुख्तलिफ
टेस्ट्स करके देखते हैं, तो उसमें कर्निंग साइन और बर्डजिंकी साइन, उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये बेबीज और एडल्ट्स के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा फर्क बताया हुआ है कि बेबीज में जो है वो बड़ी जल्दी इनको फिट्स पड़ना शुरू रहते हैं, बड़ों को भी पड़ते हैं, लेकिन रैश वगैरह भी इसके अलावा हो सकता है इंसान को। तो मेनिंजियल इरिटेशन के क्या साइन है, यानी कि जो मेनिंजेस इरिटेट होती हैं, जब वो मेनिंजेस जो उसकी कवरिंग है ब्रेन की, जब उनको कोई चीज आके तंग करती है, तो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंस इन इट, एक कर्निंग साइन है और एक ब्रिडजिंस्की साइन है। जो कर्निंग साइन है उसमें क्या होता है, आप बंदे को लिटाते हैं और उसकी हिप जो है वो हिप और नी दोनों फ्लेक्स करते हैं, तो जब आप उसका नी थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो वो नी एक्सटेंड नहीं हो पाता 135 डिग्री से, ठीक है। जो ब्रिडजिंस्की साइन है उसमें क्या होता है कि बंदे को सीधा लिटाओ, अगर उसकी गर्दन आप उसको उठा के उसकी बॉडी की तरफ करो तो उसकी जो निचले वाला जिस्म है वो भी फौरन ऊपर उठ जाता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज भी फ्लेक्स करती हैं, ठीक है। सो मतलब ये कुछ साइंस हैं। ये कुछ साइंस हैं जो आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प करती हैं और ये बता सकती हैं कि मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है, ठीक है। जब वो मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे मेनिंजिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है गर्दन के लेवल पे, तो वो उसको इतना ज्यादा फील होता है, इतनी ज्यादा उसको पेन या इरिटेशन होती है कि फौरन टांगे भी अपनी फ्लेक्स कर लेता है, ठीक है। ब्रिडजिस की साइन में ये होता है। जो पेंडिंग साइन है उसके अंदर हिप और नी फ्लेक्स की जाए तो जो दूसरा नी है, जो दूसरा नी है वो एक्सटेंड नहीं हो सकेगा 135 डिग्री से ऊपर, ठीक है। ये तीन ट्रायड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर। एक तो मेंटल स्टेटस चेंज होता है, मेंटल स्टेटस चेंज जहां पे भी आप देखो या ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखो, तो उसका मतलब होगा कि थोड़ा थोड़ा वो ड्राउजी ड्राउजी सा होगा क्योंकि ब्रेन पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, और इसके अलावा नेक उसकी स्टिफ होगी और उसके साथ में फीवर होगा। अगेन ब्रिडजिस की साइन आपको बताया, ऐसे करेंगे तो अगर गर्दन ऊपर उठाएंगे तो टांगे भी ऊपर उठेंगी, ठीक है। कर्निंग साइन में अगर आप हिप को फ्लेक्स कर रहे हो और फिर सीधा करने की कोशिश कर रहे हो तो सीधा सीधा नहीं होगा उससे। अच्छा, लंबर पंक्चर क्या होता है बेटा, L4-L5 के लेवल पे आप एक सिरिंज अंदर डालते हैं L4-L5 वर्टिब्रा के लेवल पे और वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आप लैब में जाके देखते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन के साइन है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज होगी। अच्छा, कब नहीं करना लंबर पंक्चर, जब इंसान को कोई सांस लेने के मसले हो या उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ हो किसी भी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, वैसे हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या जहाँ पे आपने उसका सिरिंज डालनी है जहाँ से निकालना है वहां पे इन्फ्लेमेशन हुई हो, सेलुलाइटिस हुआ हो स्किन की, या कोई और बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि आप सिरिंज डाल तो दोगे लेकिन क्लॉटिंग उसकी होगी नहीं तो ब्लीड करता ही रहेगा, तो उस वक्त आपने लंबर पंक्चर नहीं करना। लेकिन इसके अलावा आपने डायग्नोसिस में लंबर पंक्चर करके सीएसएफ फ्लूइड निकाल के देखना है। तो नॉर्मली क्या कुछ होता है जो हम सीएसएफ के अंदर देखते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, वो तीन चीजें देखते हैं, एक ग्लूकोज देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं और सेल्स देखते हैं। जो अच्छा, अब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस आपको बता रहा हूँ, एक एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, एक वायरल मेनिंजाइटिस है, एक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, मतलब कुछ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, कुछ वायरस की वजह से हो रही है, कुछ टीबी की वजह से हो रही है, कुछ फंजाई की वजह से हो रही है, कुछ और रीजंस की वजह से हो रही है, उसको और तरह से क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर ग्लूकोज प्रोटीन और सेल्स की जितनी भी वो है ना जो नॉर्मल कंपोजिशन है उससे हटके होगा, ठीक है। इस स्लाइड को कर लो या इस स्लाइड को कर लो कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप इस स्लाइड को ज्यादा फोकस करो क्योंकि इसके अंदर जो है लो हाई की जगह एक पूरा नंबर बताया हुआ है। आई वुड प्रिफर कि तुम इस स्लाइड को कर लो क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं तकरीबन, नॉर्मल कितना होता है। दूसरी बात जो अच्छी चीज़ है वो इस स्लाइड में नॉर्मल वाला भी बताया हुआ है, इसमें नॉर्मल नहीं बताया हुआ। सो नॉर्मल WBCs कितने होते हैं, सेल्स कितने होते हैं CSF में, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, 5 के अंदर अंदर। ग्लूकोज कितनी होती है, 40 to 70। प्रोटीन जो है वो लेस देन 40 mg/dL होती है। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना जब, तो उसके जो WBC काउंट होता है ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो WBC ज्यादा हो जाएंगे, 1000 से ऊपर चला जाता है पर माइक्रोलीटर। ग्लूकोज 40 से नीचे होती है, प्रोटीन जो है वो बहुत हाई हो जाती है 250 से ऊपर। टीबी वाला मेनिंजाइटिस है वो टीबी फैल के ब्रेन की मेनिंजेस को जाके इन्फ्लेम कर दे तो उसमें 5 to 1000 WBC काउंट, ग्लूकोज और कम और प्रोटीन उतनी ज्यादा,
वायरल मेनिनजाइटिस में 100 to 1000 WBCs, ग्लूकोज उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल होती है और प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है लेकिन 100 से कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस में होती है। एक और सिंड्रोम है ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, गियान बागे सिंड्रोम जो है इसमें 0 to 5 WBCs वो सेम रहते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं हो रही, बॉडी के सेल्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ग्लूकोज भी सेम रहती है, जो प्रोटीन है वो बहुत हाई हो जाती है 45 to 1000 तक चली जाती है। ठीक है, सो ये आप चीजें इसके अंदर से याद कर लीजिएगा। ये अगर आपको मैं मिसाल के तौर पर सिनेरियो देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको ये क्या उसे कहते हैं इसकी बताता हूँ वैल्यूज, तो उस वैल्यू से आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे छोटे 3 से 8 महीने तक के, उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है और आधे से ज्यादा केसेस जो है वो उन बच्चों में होते हैं जो 5 साल से छोटे हैं। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस कर सकते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई करते हैं, उसके अलावा ई कोलाई करते हैं, एंटेरोकोकाई, क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला, सेरेशिया, लिस्टीरिया, ये मुख्तलिफ वायरस के नाम है जो बच्चों में सॉरी मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम है जो बच्चों में मेनिनजाइटिस कर सकते हैं। जो थोड़े बड़े होते हैं उनमें नीजीरिया मेनिनजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा और आपके इस टेबल में दिखाया हुआ बात वही है। अच्छा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस में क्लिनिकल कोर्स यानी कि साइन सिम्टम्स प्रेजेंटेशन कैसी होती है? फीवर के साथ आएगा, थकन के साथ आएगा, वॉमिटिंग के साथ आएगा, ड्राउजी सा होगा, शॉक होगा यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा, और DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, रैश होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में मुख्तलि जगह हल्के हल्के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो हाइपर जो ब्लड है उसकी कोएगुलेशन ज्यादा हो जाएगी और उसको ज्यादा प्लेटलेट्स उसमें ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और इसके अलावा ब्रेन में एडिमा होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन ब्रेन की हो रही है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन के साइंस में आपने एक साइन एडिमा पढ़ा था तो वो भी होगा। फिर इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा होगा, जब ब्रेन में एडिमा हो रहा है, ब्रेन में फ्लूइड आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ का प्रेशर है ब्रेन का वो क्रेनियम का वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो किस तरह नजर आएगा? एक तो पेपिलोडीमा होगा। पेपिलोडीमा क्या होता है? जब आप देखते हैं आईज को फंडोस्कोपी करके, अगर कभी आप किसी आई डॉक्टर के पास गए हो तो एक लाइट डाल के आपकी आंख में देखता है पीछे तक, तो उसके अंदर जो एरिया वो एडिमेटस होगा। फंडोस्कोपी पे आपको नजर आ जाएगा कि आई का हिस्सा जो रेटिना का कुछ हिस्सा है वो एडिमेटस है। फिर इसके अलावा प्यूपिल्स में चेंजेस आएंगी। फिर उसके अलावा कुशिंग स्ट्राइड क्या होता है? एक ब्रैडीकार्डिया होता है यानी आपका ब्लड प्रेशर सॉरी आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है और रेस्पिरेटरी रेट आपका इरेगुलर हो जाता है। ये तीनों चीजें जब हो तो उसको पुशिंग स्ट्राइड कहते हैं। दीज आर साइंस ऑफ रेज इंटरक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम है वो आपकी रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर रही होती है, तो जब उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है तो फिर ये चीजें भी जब ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंटरक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये चीजें भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो रेज इंटरक्रैनियल प्रेशर के भी साइंस सिम्टम्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आएंगे मेनिनजाइटिस के अंदर। फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है? बच्चों में 14 से 21 दिन के अंदर अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स है जो देने से ठीक हो जाता है। ग्राम नेगेटिव मेनिनजाइटिस हो, अगर ये ग्राम नेगेटिव स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है वो 21 दिन तक ठीक होते हैं। अगर निम्यूकोकल वाला हो, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो जो कि आमतौर पर निमोनिया भी करते हैं ये बैक्टीरिया, तो ये 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। अगर मेनिंजोकोकाई होते हैं तो ये सबसे जल्दी 7 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। इनका काम ही सिर्फ मेनिनजाइटिस करवाना है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? अब यहाँ पे आपका फार्माकोलॉजी का नॉलेज थोड़ा सा छेड़ा जाएगा, खासतौर पर कीमोथेरेपी यानी कि एंटीबायोटिक्स वाला नॉलेज। जो 3 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आप सिफ्ट्राइक्सोन यानी कि सेफ्रोस्पोरिन और एम्पिसिलिन दे दें, पेनिसिलिन और सेफ्रोस्पोरिन। एम्पिसिलिन लिस्टीरिया को कवर करती है, सिफ्ट्राइक्सोन बाकी इनको कवर कर लेगी बैक्टीरिया को। इसकी फायदा ये होता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड से कम टॉक्सिक होती है, इनके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते, और आपने बार बार ब्लड ब्लड चेक करके इनका लेवल नहीं देखना होता, और इनका GI के नॉर्मल बैक्टीरिया पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, अगर आप मेनिनजाइटिस को टाइम पे ट्रीट ना करें तो क्या होगा? एक तो हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो CSF जब ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, स्वोलन होना शुरू हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है पानी,
तो वो हाइड्रोसेफलस होता है। और इसके अलावा सब ड्यूरल इफ्यूजन एम्फाइमा, यानी कि वहां पे ड्यूरामेट्रस से नीचे करके शुरू हो जाती है। फिर जब ये चीजें सही तरह से रिजॉल्व नहीं होगी तो जिस जगह पे ब्रेन की इंपैक्ट हो रहा होगा और वो जगह डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वहां पे स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एब्सेस, ठीक है, ऑब्वियसली जब पस जमा होगी, बैक्टीरिया वहां पे मौजूद है तो वहां पे एब्सेस बन जाएगी। फिर ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आपको पता है ब्रेन में ड्यूरल वेनस साइनस का एक पूरा सिस्टम होता है, सिग्मॉइड साइनस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, जो सारे साइनसेस आ रहे होते हैं जो ब्रेन की वेनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो जो वो जो साइनसेस होते हैं वो इन्फ्लेम हो सकते हैं, जिसे ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो स्कार्ड हो जाता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में इवेंचुअली सीएसएफ के अंदर अपना रोल प्ले करना होता है, तो इसकी वजह से और सीएसएफ फ्लूइड जो जमा होना शुरू हो जाता है। और लेप्टोमेनिंजियल वेन्युलाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो लेप्टोमेनिंजियस है, ये मेनिंजियस मेनिंजियस को ही कहते हैं एक तरह से, उनके दो हिस्सों को, उसमें जब जब वो मेनिंजियस और उसके साथ की वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो वहां पे वेन्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लड वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से इवेंचुअली ब्लीडिंग होती है, और उसकी वजह से वहां पे इन्फार्क्शन हो जाती है, जैसे कि आपने इस्कीमिक स्ट्रोक के एक टाइप में पढ़ा था, एक काइंड ऑफ स्ट्रोक हो जाता है। एब्सेस की बात ऑलरेडी हो चुकी हुई है। क्या प्रोग्नोसिस है, मतलब डिजीज इवेंचुअली ठीक होता है कि नहीं होता? जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनके अंदर 20% की डेथ हो जाती है, बड़ों में 10% तक ठीक हो जाते हैं, 33% जब आप उनको डिस्चार्ज कर रहे होगे तो उस टाइम पे उनके कोई ना कोई सिम्टम होगा, न्यूरोलॉजिक, मतलब कोई फोकल सिम्टम होगा, मतलब कोई वीकनेस हुई होगी किसी लिम में या सेंसेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो जिस जगह का ब्रेन डैमेज हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल बाद तक भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज इसमें से रहती हैं, और कुछ लोगों में इवन हियरिंग लॉस भी हो जाता है, क्योंकि वोवली क्रेनियल नर्व्स डैमेज हो जाए तो 22 से 29% लोगों में हियरिंग लॉस भी हो जाता है। बच्चों में आपको बताया है कि ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं मेनिंजाइटिस, और इसको इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज है जो आपने इसमें समझने वाली है वो ये है कि मेनिंजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया में क्या फर्क है। मेनिंजाइटिस बेसिकली ब्रेन की मेनिंजेस या स्पाइनल कॉर्ड की जो आगे मेनिंजेस है उनका इन्फ्लेमेशन है। जो मेनिंजोकोक्सीमिया है वो इस वक्त वो ये चीज है कि होता तो इसी इन्हीं बैक्टीरिया से है, लेकिन शुरू में मेनिंजाइटिस होता है, फिर उसके बाद वो पूरे का पूरा ब्लड में फैल जाता है। इन्फेक्शन होता है ना जब फैल जाए, जिसे कहते हैं ब्लड में फैलना, उसे मेनिंजोकोक्सीमिया कहते हैं। जिस भी वर्ड के आगे एंड पे ईमिया आ जाए उसका मतलब है ब्लड में कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में तो हेड एक, स्टिफ नेक, और मतलब उससे फीवर से पता चल रहा है आपको कि मेनिंजाइटिस हो रहा है। ठीक है, मेनिंजोकोक्सीमिया में जो बैक्टीरिया है वो मेनिंजिस से आगे निकल के नोज और थ्रोट तक चला गया है, फिर वहां से फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो फिर बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर रैश नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब रैश हो जाए तो इसका मतलब है कि जो मेनिंजाइटिस है वो फैल गया हुआ है। सो मेनिंजोकोक्सीमिया का और मेनिंजाइटिस के फर्क क्या है? एक तो फोटोफोबिया होता है मेनिंजाइटिस में, मेनिंजोकोक्सीमिया में रैश होता है पर्पल से रंग का, मेनिंजाइटिस में झटके लग सकते हैं, उसमें ठंडे हाथ हो जाते हैं मेनिंजोकोक्सीमिया में, ब्रेथलेसनेस होती है मेनिंजोकोक्सीमिया में, मेनिंजाइटिस में हेडेक होती है, मेनिंजोकोक्सीमिया में पूरे ज्वाइंट में, मसल्स में, लिम्स में पेन होती है, और मेनिंजाइटिस में जो है वो नेक्स्ट स्टेप होना शुरू हो जाती है। दोनों में जो चीजें सेम होती हैं वो ड्राउजी सा होता है बंदा, स्लीपी स्लीपी सा होता है, या जिसे ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, हाई फीवर होगा, कंफ्यूज होगा और वॉमिटिंग कर रहा होगा। अब हम आ जाते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के ऊपर। वायरल मेनिंजाइटिस गर्मियों में और ऑटम सीजन में ज्यादा होता है, हेडेक इसमें बहुत ज्यादा होती है, वॉमिटिंग भी होती है, फीवर भी होती है, बाकी सारी वही फाइंडिंग्स है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीएसएफ की फाइंडिंग्स आपको उस टेबल में बता दी, उस टेबल को बहुत अच्छी तरह कर लेगा। अच्छा, वायरल और बैक्टीरियल में फर्क क्या है? फर्क ज्यादातर रैश का है, एक तो रैश नहीं है, झटके कम लगते हैं, सीजर्स का फर्क है, और पेशेंट जो है वो इतना बुरा उस पर इम्पैक्ट नहीं होता कि कोमा में चले जाए आसानी से, जो वायरल मेनिंजाइटिस है। वायरल मेनिंजाइटिस कौन कौन से वायरसेस करते हैं? एक तो एंटायरो वायरस है सबसे ज्यादा जो वायरल मेनिंजाइटिस करता है, अगेन स्प्रिंग और समर में होता है, ये वायरस फैलता ओरल फिकल रूट के थ्रू है, शुरू में जीआई सिम्टम्स होते हैं क्योंकि इट इज बेसिकली एंटायरो वायरस, जीआई ट्रैक्ट का वायरस है, फिर 10 दिन बाद तक जाके मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जब वो पहुंच जाता है ब्रेन में। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, मम्स वायरस है, एचआईवी वायरस है, कोरियो मेनिंजाइटिस, लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटिस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 है, ये सारे के सारे वायरसेस जो हैं वो
वो वायरल मेनिनजाइटिस कर सकते हैं। जब भी वायरल मेनिनजाइटिस हो तो ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? एंटीबायोटिक कोई नहीं देनी। आपको पता है वायरसेस में अभी कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है, एंटीबायोटिक्स जो कोविड में भी दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि जो कोविड की वजह से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसका हल हो, लेकिन वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, वो खुद ही थोड़ी देर बाद खत्म होता है तो होता है। पेन किलर्स दें पेन को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को कंट्रोल करें पैनाडोल वगैरह दें, और लंबर पंक्चर जब आप करते हैं वायरल मेनिनजाइटिस में तो उसके बाद अक्सर पेशेंट जो बेहतर महसूस करता है, ठीक है। लंबर पंक्चर में आप सीएसएफ निकाल के देखते हैं। ज्यादा इसको बाकी लोगों से अलग रखने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बाकी प्रिकॉशन देने जरूरी है। अच्छा, वायरल मेनिनजाइटिस का अंजाम जो है वो उतना बुरा नहीं होता जितना बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का होता है, लेकिन अगर बच्चों को हो जाए तो उनकी जो नॉर्मल माइलस्टोन्स रीच करने की एज है, मिसाल के तौर पर जब उन्हें बोलना था, जब उन्हें लिखना था, समझना था बातचीत को, वो थोड़ा डिले हो जाता है। अच्छा, मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस की और अगर हम देखें, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 भी उसका वायरस पास कर सकते हैं, रेबीज भी कर सकता है। जब रेबीज की वजह से मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस होगा तो एक आपको ये पैथोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज का पार्ट है कि नेगरी बॉडीज नजर आएंगी हिप्पोकैम्पस में, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पे मेमरीज होती हैं, और सेरिबेलम के सेल्स में। सो हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम की परकिंजी सेल्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर निग्री बॉडीज होती हैं। वो क्या होती हैं? वो उन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई एक रेडिश सा मटेरियल होता है, इयोसिनोफिल और हिमाटॉक्सिलिन अगर आपने पढ़ा हो हिस्टोलॉजी में, तो इयोसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्म इंक्लूड रेडिश रेडिश माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे चीजें नजर आती हैं सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम के, ठीक है। तो उसका मतलब है कि रेबीज जो है वो ये मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस की। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ इन्फेक्शन की, जो कि इवन कई दफा कॉम्प्लिकेशन भी होती है इवन इंसेफ्लाइटिस और मेनिन्जाइटिस की, ब्रेन एब्सेस। एब्सेस का मतलब क्या होता है? एक बॉल ऑफ पस, ठीक है, वेल एनक्लोज बॉल ऑफ पस, उसके अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ चीजें। सबसे पहले तो हम कॉज देखते हैं, कोई भी इंफेक्शन अगर फैल जाए, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ जाए, फ्रंटल लोब से आए, टेम्पोरल लोब से आए, मिडिल ईयर से आए, मैस्टॉइड बॉडी के पास से आए, वहां से इंफेक्शन फैल फैल के अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो वो एब्सेस कर देगा वहां पे। फिर ऑब्वियसली हिमाटोजन स्प्रेड कहीं और दूर इन्फेक्शन हो रहा है और ब्लड के थ्रू पहुंचता है वहां तक आया है, ज्यादातर फ्रंटल और पैरेटल लोब में आएगा, या कोई ट्रॉमा है। ये सारी चीजें अभी हमने मेनिनजाइटिस के अंदर भी की है, या बेसल स्कल फ्रैक्चर हो रहा है जिसकी वजह से सीएसएफ लीक कर रही है, ठीक है, या कभी पहले ब्रेन की सर्जरी हुई है, क्रेनियोटमी हुई है, यानी कि ब्रेन के अंदर होल किया उन्होंने, तो वहां पे चूंकि सर्जरी के टाइम में आपका चांस होता है कि अगर आप एसेप्टिक मेजर सही तरह से मेंटेन ना करें या करें भी तो तब भी कई दफा इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, ठीक है। और वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो, यानी कि एचआईवी वगैरह हो, तो उसको तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्फेक्शन हो गए होंगे। अच्छा, अब कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर ज्यादा कॉज करते हैं एब्सेस? एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, जो डेंटल इन्फेक्शन के थ्रू अगर फैले या ऑटोजेनिक यानी कि ब्रेन सॉरी ईयर के इन्फेक्शन के थ्रू फैले तो वो एनएरोबिक बैक्टीरिया करेंगे, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स करेंगे। अगर साइनसाइटिस के थ्रू फैले, साइनसिस इन्फ्लेम्ड हो रहे हो, तो स्टेफलोकोकस ऑरियस या एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई करेंगे। इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसी वाले लोगों में फंगाई फंगाई करते हैं, एड्स में एक पैरासाइट करता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और आपको अक्सर कल्चर करके देखो तो वो नेगेटिव होता है। कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ब्लड में या कहीं पर भी, वो एक खास किस्म की चीज उनको मिले तो उसमें ग्रो करते हैं। सो जब ब्लड को ब्लड में हम ब्लड निकाल के उसके अंदर उनको उस तरह की ग्रो करने की एनवायरनमेंट देते हैं तो कुछ ग्रो करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो जब वो ग्रो करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। लेकिन कई दफा वो ग्रो नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया नहीं है, कोई और वायरस वगैरह है। और जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो करे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नहीं करते। बाहर आनी है माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज है सारे का सारा, अभी हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया तो इसलिए इसके ऊपर भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये याद रखिए कि जब कल्चर करके देखते हैं बैक्टीरिया ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं ब्लड टेस्ट करके, तो 30% लोगों में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। इसका मतलब है या तो वो बैक्टीरिया है जो कल्चर वाला नहीं है, या वो फंगस है, या वो पैरासाइट वगैरह है। अच्छा, अब ब्रेन एब्सेस कैसे होती है? पहले तो जहां पे बॉडी फाइट करने की कोशिश कर रही है वहां पे एक तो नेक्रोसिस हो जाएगा और नेक्रोसिस के अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो नेक्रोसिस के अंदर जब बैक्टीरिया आते हैं तो 4 स्टेजेस के अंदर वो एब्सेस बनाते हैं। सबसे पहले पहले 3 दिन के अंदर वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू, लोकल इन्फ्लेमेशन और एडिमा होता है, और इसके अंदर अभी कोई फर्क नहीं होता बाकी ब्रेन और लियन के अंदर, कोई डिमार्केशन कोई एक लेयर नहीं होती उसके अंदर, इसको अर्ली सेरेब्राइटिस कहते हैं।
लेट सेरेब्राइटिस जो अगले 10 दिन तक जो होना है, 4 से 10 दिन तक, उसके अंदर एडिमा ज्यादा हो जाता है और पस आने शुरू हो जाती है। फिर जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर उसके इर्द-गिर्द कैप्सूल बनना शुरू होता है अगले 3 दिन, और वो फिर जो कैप्सूल होता है वो इन्फेक्शन की स्प्रेड को कम से कम लिमिट कर देता है। और फिर उसके बाद लेट कैप्सूल स्टेज है जो डे 14 ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, अगर आप देखें ये यहाँ पे पस का फील्ड एक एरिया है ब्रेन के अंदर जिस कैप्सुलेटेड है। एब्सेस के अंदर हमेशा ये होता है कि एब्सेस के इर्द गिर्द कैप्सूल होता है, उसका फायदा ये होता है कि वो बाकी जगह पे पूरी पस फैलती नहीं है। ठीक है, अगेन आपको एक और क्रॉस सेक्शन में दिखा रहे हैं कि एब्सेस कैसी नजर आ रही है अगेन। ठीक है, ये कैप्सूल उसके इर्द गिर्द का बना हुआ है। अच्छा, क्लिनिकली क्या पेशेंट कहता है? एक तो ये कि वो पेशेंट होते हैं जो 20 ईयर्स ऑफ लाइफ तक हो, ज्यादातर उस वक्त उनको ब्रेन एब्सेस होती है, मर्दों में ज्यादा होती है और इम्यून स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है कि सर बड़ा हो जाता है, फॉन्टेनल्स अगेन बल्ज करना शुरू कर देते हैं, क्रेनियल सूचर खुलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अभी क्रेनियल सूचर उनके पूरे सही तरह से बंद ही नहीं हुए होते, वॉमिटिंग फिट्स और इरिटेबिलिटी होती है, रेज इंटरक्रेनियल प्रेशर और पेपिलरी एडीमा वगैरह के उनके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एडीमा नजर आ रहा है, सेरिब्रल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और हेडेक होगी और ड्राउजीनेस होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का क्या मतलब है बेटा? जब भी आप वर्ड पढ़ते हो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज, FND यहाँ पे उसको लिखा है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि ब्रेन के जिस हिस्से पे फोकस कर रहा है एब्सेस, यानी कि जिस हिस्से पे एब्सेस है और ब्रेन का वो हिस्सा जो चीज कंट्रोल करता है उस फोकस्ड एरिया के सिम्टम्स होंगे फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। मिसाल के तौर पे पैराइटल लोब पे अगर एब्सेस आती है तो हादी साइड का फालेज हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो मोटर मसल्स का कंट्रोल होता है। टेम्पोरल लोब पे अगर होगा तो टेम्पोरल लोब जो है वो स्पीच से रिलेटेड वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेन का, तो डिस्फेजिया होगा, स्पीच प्रॉब्लम होंगे। सेरिबेलम का रोल क्या उसे कहते हैं बैलेंस मेंटेन करने में होता है, तो अटैक्सिया होगा, निस्टैग्मस होगा। ठीक है, सो ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब ये है। फीवर 50% ज्यादा लोगों में फीवर होगा, नॉजिया वॉमिटिंग होगी, सीजर्स अगेन क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, और पेपिल एडीमा यानी कि फंडोस्कोपी करोगे तो आई के अंदर आपको रेज प्रेशर नजर आएगा, और मेनिनजेस्मस अगेन नेक स्टिफनेस के साइंस, कर्निंग बिट्जिंस्की और कर्निंग साइन जो है। अच्छा, लैब में क्या नजर आएगा? आप उसकी लैब कराओगे, WBC थोड़े से इंक्रीज हुए नजर आएंगे, ESR सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन का साइन है, CT करा के देख सकते हो, MRI करा के देख सकते हो, आपको एब्सेस नजर आएंगे एनकैप्सुलेटेड जैसे भी आपको पिक्चर्स दिखाई दी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करना है या लंबर पंक्चर करना, जैसे कि हमने मेनिनजाइटिस में देखा था कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें बड़ी अच्छी तरह से आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मेनिनजाइटिस का पता चल रहा है, लेकिन जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस आप करते हैं ब्रेन एब्सेस के अंदर तो उसका इतना ज्यादा खास फायदा नहीं होता क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये मेनिनजाइटिस है या ब्रेन एब्सेस है। ब्रेन एब्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो CT और MRI है ताकि उसके अंदर एनकैप्सुलेटेड एब्सेस नजर आए, क्योंकि CSF तो चलो अगर मिसाल के तौर पे आपने इतने सारे अभी कॉजेज पढ़े हैं इन्फेक्शन के जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, यही ऑर्गेनिज्म कई दफा मेनिनजाइटिस भी कर रहे होते हैं, और ये मेनिनजाइटिस का ही अगला हिस्सा जो है वो आपका ये है ब्रेन एब्सेस है, तो इसलिए CSF एनालिसिस करने से पता नहीं चलता कि ब्रेन एब्सेस है या नहीं, तो इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, देखना हमने इनमें वैसे वही चीजें करवा के हम देख सकते हैं, हेल्प हो सकती है कॉज फिगर आउट करने में, लेकिन एब्सेस का डायग्नोसिस उस वक्त होगा जब आप उसे CT स्कैन और MRI ब्रेन में देखेंगे। अच्छा, अगेन ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक के बगैर कोई हल नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह के सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आप एस्पिरेशन करके देख सकते हैं, मतलब एस्पिरेशन का मतलब उस पस को किसी तरह से बाहर निकालें हल्का सा सर्जिकल प्रोसीजर करके या फिर बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर करके एक्सियन करें। ठीक है, फायदा उसका ये होता है कि अगर ट्रॉमेटिक एब्सेस वगैरह हो, फंगल एब्सेस हो या गैस कंटेनिंग एब्सेस हो तो वो निकल जाती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैस भी बनाते हैं उस एब्सेस के अंदर तो वो फिर ब्रेन एक्सियन में बड़ी अच्छी तरह से निकल जाती है। ठीक है, अच्छा फॉलो अप उसके बाद आपने करके क्या देखना है, जब एंटीबायोटिक थेरेपी हो रही है हर हफ्ते उसका CT करके देखो, फिर मंथली CT करके देखो कि वो खत्म हुई ब्रेन एब्सेस या नहीं,
2-3 हफ्ते तक उसका साइज कम हो जाना चाहिए, 3-4 हफ्ते 3-4 महीने तक बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और 6 से 9 महीने बाद भी अगर आप सीटी करा के देखो तो उसका कोई भी जरा नामो निशान नहीं आना चाहिए। सीटी में जब फर्क देखते हैं चीजों के अंदर, तो एक चीज होती है एनहांसमेंट, वो जो उसकी डेंस एरिया होता है वो ज्यादा डेंस हो जाता है। या अगर कंट्रास्ट डाल के देखें आप, जो कि एक डाई होता है जिसके थ्रू जब आप उसके बाद उसका एक्सरे करेंगे, सीरीज ऑफ एक्सरे में देंगे तो ज्यादा बेहतर नजर आएंगी, तो वो उसमें कुछ नहीं नजर आता 9 महीने तक, तो फिर इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सही हुई है। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या है, आउटकम क्या है? मॉर्टेलिटी डिपेंड करती है, यानी कि डेथ होगी कि नहीं, इस चीज पर डिपेंड करता है कि एब्सेस कहीं फट के वेंट्रिकल में तो नहीं चली गई, पेशेंट की अपनी इम्यून सिस्टम कैसा है, एब्सेस की टाइप कैसी है, जब डायग्नोसिस हुआ उसको कितनी बड़ी एब्सेस थी, कितनी फैल चुकी थी, और ब्रेन हर्निएट करके जैसे अपनी जगह से हिला हुआ या नहीं हिला हुआ। लॉन्ग टर्म जो चीज रहती है, कई दफा फिट्स पड़ते रहते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आपको बताए थे, फालेज वगैरह हो सकता है, स्पीच में मसले हो सकते हैं, सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कई दफा ये ठीक होने के बाद 5 से 10% लोगों में दोबारा भी आ सकती है, रिकर कर सकती है। ठीक है, इसकी रीजन क्या होती है कि एंटीबायोटिक सही तरह से नहीं दी, या एंटीबायोटिक की चॉइस ठीक नहीं की, या कोई बाहर से फॉरेन बॉडी है वहां पे जो बार बार इन्फेक्शन कॉज कर रही है, या आप सोर्स ऑफ एप्सिस यानी कि जो बैक्टीरिया था उसको आप निकाल नहीं सके। अच्छा, इसके बाद जो एक खास किस्म की डिजीज है वो है प्रायॉन डिजीजेस। प्रायॉन डिजीजेस में जी कुछ पूछा है किसी ने? ओके, प्रायॉन डिजीज, इसको स्लो वायरस डिजीज भी कहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज आते हैं। एक सबसे जो अहम डिजीज है CJD डिजीज, इसको क्राइफेल्ट याकोब डिजीज भी कहते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, क्राइफेल्ट याकोब। ठीक है, डिजीज ग्रेसमैन स्ट्रासलर शाइनेकर सिंड्रोम, GSS सिंड्रोम, फेटल फेमिलियल इंसोम्निया, बंदे को नींद ही नहीं आती और बगैर सोए डेथ हो जाती है। ह्यूमन वैरायटी जिसको कैनिबलिज्म भी कहते हैं, उसके बाद बंदा खाना शुरू कर देता है। स्क्रेपी, मिंक ट्रांसमिसिबल एंसेफलोपैथी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफलोपैथी, मैड काउ डिजीज, ये सारे मुख्तलिफ डिजीज के नाम है जो प्रायॉन डिजीज कहलाते हैं या स्लो वायरस डिजीज कहलाते हैं। अच्छा, होता क्या है बेटा प्रायॉन डिजीज में? बेसिकली एक ना प्रोटीन पार्टिकल होता है इन्फेक्शन करने वाला, उसका ना तो DNA होता है ना RNA होता है, उसको आप गर्म भी करो तब वो मरता भी नहीं है, लंबा उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब बॉडी में जाने के फौरन बाद सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करना शुरू कर देते, काफी देर बाद करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है प्रायन प्रोटीन, इसको कहते हैं प्रायन प्रोटीन, ये एक्यूमुलेट होना शुरू होती है, डिमेंशिया के सिम्टम्स होना शुरू होते हैं, यानी चीजें भूलना शुरू हो जाता है और हायर ऑर्डर फंक्शन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ब्रेन के आप देखोगे तो स्पॉन्जियो फॉर्म होगा, मतलब न्यूरो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स जो उनकी सपोर्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो चेंज हुए होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स बने होंगे, और अगर आप देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में, उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट होंगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कोई नहीं होगी, अनलाइक द मेनिनजाइटिस एंड इंसेफलाइटिस। ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी सिस्ट जमा हो रही होंगी तो उसकी वजह से ऐसी शेप बन जाएगी कि जैसे स्पॉन्ज है कोई। ठीक है, छोटी छोटी सिस्ट जो हैं वो जमा हुई होंगी, तो स्पॉन्ज स्पॉन्ज की तरह की शेप बन जाएगी, और फिर इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ये डेडली होता है डिजीज, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, प्रायन प्रोटीन नॉर्मली इंसानों में मौजूद होती है, 208 अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर, और क्रोमोसोम नंबर 20 पे होती है। उसके अंदर एक इस तरह की चेंज हो कि वो जो है बॉडी में ज्यादा जमा होना शुरू हो जाए, तो उसको उसकी वजह से बीमारी होती है, प्रायन प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, और वो इन मुख्तलिफ डिजीज में या इन मुख्तलिफ एनिमल्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं डिजीजेस, उनके अंदर वो जमा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इंसिडेंस क्या है, बहुत बूढ़ा हो जाए जब 7वीं तिहाई में जाके इंसान की मिलियन में एक केस होता है। क्राइफेल्ड जैक याकब की बात करें, कोई एपिडेमिक नहीं होती इसकी, ट्रांसमिशन होती है एक केस से दूसरी केस में, या फैमिली में चल रहा होता है, जीन्स प्रिडिस्पोज कर देती हैं, बहुत तेजी से डिमेंशिया होता है, ग्रे मैटर इफेक्ट होता है, सेरिबेलम इफेक्ट होता है, तो गेट इफेक्ट होना शुरू होती है, चलता नहीं बंदा सही तरह से, कोई ट्रीटमेंट नहीं अभी पता, बाकी प्रायन डिजीज की तरह से डेथ हो जाती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, या आप दोबारा एक और स्लाइड देख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और बस कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें।